देश की राजधानी दिल्ली का खिचड़ीपुर इलाका आज शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। बेखौफ बदमाशों ने यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया। कई राउंड फायरिंग की। बदमाशों की फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी। शाम करीब 5 बजे 2 बाइक पर सवार 6 बदमाश आए और किराना के व्यापारी से पैसा लूटने लगे। विरोध करने पर उसे गोली मार दी। बदमाशों ने सामने की दुकान को भी लूटा। यहां भी दुकान मालिक को गोली मार दी। वारदात CCTV में कैद हो गई। उधर भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। अपने साथी को पिटता देख बाकी बदमाश मौके पर बाइक छोड़कर भाग गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दो बाइक पे 6-7 बंदे जिनके हाथ में बड़े बड़े वो पिस्तौले थी, उन्होंने सीधा यहाँ पे गाड़ी रोक के, यहाँ पे लाला जी अशोक लाला जी है उनको, उनके ऊपर फायर करी है और 2-3 आदमी जख्मी करे, गोली मारी है। फिर यहाँ से अंधाधुंध फायर करी है, 5-6 फायर करी है यहाँ पर। फिर यहाँ से एक बंदा इधर से जब बाइक लेके आ रहा था उसके मतलब गाड़ी से रोका उसको, फोर व्हीलर ने रोका उसको। उसके बाद वो रुक गया तो इतने में पब्लिक ने उसमें पथराव करा तो वो वहां पे रुक गया, वहां पर वो बाकी उसके सारे बंदे भाग गए। यूपी के इलाहाबाद में दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटा भाई निकला। रिश्तों को तार तार करने वाली इस घटना के पीछे जमीन विवाद के अलावा वो अपमान भी है जो वर्षों से सुलगते सुलगते ज्वालामुखी बन बैठा और जब फूटा तो पूरे शहर को दहशत से भर गया। संगम नगरी इलाहाबाद का शिवकुटी इलाका रविवार की सुबह दहशत से भर गया। सुबह एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर ने सभी को सन्न कर दिया। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से 4 मासूमों समेत 5 लोगों की गला रेत कर हत्या की थी। इस खौफनाक वारदात की खबर मिलते ही पुलिस की टीम आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और जब तफ्तीश शुरू की तो शक की सुई मृतक मोहराम के छोटे भाई राजन पर गई, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो इस हत्याकांड का जो खौफनाक सच सामने आया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। शिवकुटी थाना क्षेत्र में जो एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई थी, इस वारदात का पटाक्षेप हमने तुरंत मतलब 2 घंटे में ही इलाहाबाद पुलिस इसको वर्कआउट करने में सफल हुआ है। और इसका मुख्य वजह, जैसे मैंने सुबह ही आपको बताया था कि एक अपराधी तो पहले ही गिरफ्तार हो गया था, उसकी पूछताछ चल रही थी, तो सगे छोटे भाई ने हालांकि बहुत अंतर है दोनों के बीच में, 25-30 साल का अंतर है, सगे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का और अपने भतीजा और भतीजों का हत्या किया है। हत्या में प्रयुक्त आला कतल चॉपर भी हम लोगों द्वारा बरामद की गई है जो आपके सामने ही है। और जो लूटी गई संपत्ति थी अपने ही परिवार का धरोहर था वो भी पकड़ा गया है, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। और रक्त रंजित इनके जो कपड़े हैं वो भी बरामद हो गए हैं। पुलिस पूछताछ में हत्या की जो कहानी सामने आई है उसमें संपत्ति विवाद के साथ साथ अपमान की वो खींच भी थी जिसने आरोपी को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मृतक मोहराम आरोपी का सगा बड़ा भाई था। आरोपियों के मुताबिक उनके पिता के पास 2 मकान थे लेकिन मोहराम दोनों मकानों पर कब्जा करना चाहता था। इसी वजह से उसने पहले अपने पिता को चलती ट्रेन में धक्का देकर हत्या कर दी और उसे हादसा बता दिया। बाद में जब राजन उससे अपने हिस्से का मकान मांगने जाता तो उसकी बेइज्जती करता। रोज रोज के तानों से तंग आकर आखिरकार उसने बदला लेने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। राजन का मुख्य मोटिव यह था कि राजन का यह सोच था कि इनके पिताजी को 2 साल पहले इनके बड़े भाई मोहर्रम ने मार दिया, तो ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट ये राजन इसको पुलिस में सूचना देना चाहते थे परंतु किसी तरह मोहर्रम बड़े होने के नाते उसको दबा दिया गया था। तो एक तो ये मोटिव था कि उनके पिताजी का हत्या इनके सामने ही हुआ, नंबर 1। नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि पिताजी द्वारा राजन को जो घर चौफटका में देने की बात थी परंतु मोहर्रम ने अपने नाम कर लिया, तो इसके पास कोई घर नहीं था। और जो ये ग्राउंड फ्लोर में रहता था
वहाँ भी रोज उसको ताने मिलते थे कि इसको खाली करो। बड़े भाई से बेइज्जती तो राजन सह भी लेता, लेकिन भतीजों से भी उसे कभी सम्मान नहीं मिला। लगातार अपमान झेल रहे राजन के सब्र का बांध एक दिन अचानक टूट गया। इसके अतिरिक्त भतीजों से इसको कोई सम्मान नहीं मिला, तो ये 2 साल से ये अपमान सहते रहा है और उसने मन बना लिया था कि जो है इसका बदला लेंगे। और इसके एक सूरज है जो इसका भाई ही लगेगा, बट दूर से, दोनों अच्छे दोस्त हैं, पीछे ही रहता है, तो उनके साथ छत से ऊपर आए और पहले जो मुहर्रम है फाइलेरियासिस से पीड़ित है, क्यों वो बहुत चल फिर नहीं पाता है, पहले उसको चॉपर से मारा गया, और दूसरा जो है मुहर्रम का जो बेटा है उसको, वो विकलांग है, उसके दोनों एडी, उसको कहते हैं कंजेनिटल तालिपो इकिनोवायरस, वो दोनों एडी अंदर है तो वो चल भी नहीं पाता ठीक से, तो उसको मारा गया था। तब तक वो दूसरे कमरे में सभी महिलाएं सो रही थी, तो उसको बंद करके दोनों काम किया, उसके बाद उस डोर को ओपन करके अंदर जाके सबको मारा, और बाकी के 2 बच्चों को, एक 16 साल की लड़की और 10 साल का लड़का, दोनों को पीछे से बांध दिया था। और अलाहाबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, तो हमारी तरफ से 5,000 रुपया इनाम उनको दिया जा रहा है। आरोपी राजन ने सूरज के साथ मिलकर 5 लोगों की हत्या कर दी, जबकि उसकी भाभी की हालत अभी गंभीर है। अच्छा, इसकी नरमी थी अपने भाभी के प्रति, तो भाभी को बहुत ज्यादा इसने मारा नहीं, तो भाभी अभी भी जिंदा है। उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि इसमें दोनों मौजूद थे, राजन और सूरज। अच्छा, भाभी ने इस पर वार किया था, जिसका चोट इस पर है, जो आपने भी अभी देखा है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 50-50 है, शायद गॉड विलिंग ये बच जाए। होश उड़ा देने वाले इस वारदात की असली वजह लालच के साथ रिश्तों में आ रहा बिखराव भी है। बड़े भाई के लालच की इंतहा इतनी थी कि उसने घर पर कब्जा करने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। उधर आरोपी राजन भले ही अब अपने गुनाह पर अफसोस कर रहा हो, लेकिन अगर उसने पुलिस को पहले ही मुहर्रम की सच्चाई बता दी होती तो ये दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात सामने नहीं आती और मासूमों की जिंदगियां बच जाती। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सुरक्षा के लाख दावे करने वाली भारतीय रेल में कुछ युवकों ने पहले महिला का रेप किया और उसके बाद चलती ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया। इस वारदात के बाद महिला का एक पैर काटना पड़ा, जबकि उसकी हालत अभी भी गंभीर है। स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी का ये सफर उसे मौत की चौखट पर पहुंचा देगा। इस महिला के साथ चलती ट्रेन में जिस हैवानियत को अंजाम दिया गया है, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यह मामला यूपी के मऊ जिले के सराय लक्सी थाना क्षेत्र का है, जहां खुरहट पर पालीगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच में पैसेंजर ट्रेन से जा रही महिला के साथ 2 युवकों ने पहले रेप किया और फिर चलती ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया। इस वारदात में महिला का एक पैर कट गया। पीड़ित महिला रात भर रेलवे ट्रैक पर तड़पती रही, लेकिन सुबह ग्रामीण जब वहां से गुजरे तो उन्होंने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। ये जो महिला ट्रेन से घायल है, इसकी सूचना सुबह मिली कि एक महिला ट्रेन से गिरी हुई है, ग्रामीणों ने बताया। और उसके बाद उससे जब हॉस्पिटल आया गया, मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो इस महिला से मैंने पूछा इसका नाम पता, तो अपना नाम रीता बताई और पति का नाम रानू बताई। और इसने अपने घटनाक्रम में ये बताया कि इसका मायका है पतरही ओढ़ियार और इसका ससुराल है मुहदी सराय सागंज। और इसने बताया कि मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी रात में ट्रेन से, और 2 लोगों ने हमारे साथ गलत संबंध बनाया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया। रात भर बेहोशी हालत में रेलवे के किनारे पड़ी रही। सुबह जब ग्रामीणों ने गया शौच के लिए निकले तो उन्होंने देखा इसको इस हालत में, तो उन लोगों ने उठा करके सदर हॉस्पिटल लाया। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सर में चोट है और दाहिना पांव जो है एंकल के नीचे से पूरा निकल गया है कट के, और हालत के बारे में तो अभी कुछ देर बाद ही कहा जा सकता है। अभी दवा हो रही है, देखते हैं क्या है। अब उसके बारे में हम नहीं कह सकते, इसलिए कि रात वाले डॉक्टर साहब देख के गए, हम अभी ड्यूटी पे आए हैं, तो अभी तो उसके बारे में हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अभी सर तुरंत कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल, अभी प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है, तो देखते हैं। इस वारदात में रेलवे की सुरक्षा सवालों के घेरे में आई तो जीआरपी के अधिकारियों ने जांच के दावे कर दिए। इस संबंध में हमें कोई
बात प्रकाश हमें जानकारी नहीं हुई है, हमें जानकारी इतना हुई है कि एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि पलीगढ़ और खुराहट के बीच में कहीं गिरी पड़ी हुई थी और घायल अवस्था में है, जिसको पब्लिक द्वारा लाकर हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। मैं आकर पूछा हूँ मौके से, अभी महिला कुछ बता नहीं पा रही है, आगे के बारे में जानकारी की जा रही है, क्या स्थिति जैसी स्थिति होगी उसे बताई जाएगी। तस्दीक प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि जिसके आधार पर मैं कुछ कर पाऊँ। डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो कोई जानकारी होगी मैं क्लियर करूँगा। जोर जबरदस्ती की बात है, अभी इस संबंध में हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। क्या ये मुमकिन है कि रेलवे की हर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की हर बोगी में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड मौजूद हों, जिनकी नज़र लोगों की हर छोटी बड़ी दिक्कतों पर हो, जिनकी सुरक्षा में यात्री खुद को महफूज समझे? ये होने में शायद वक्त लगे, लेकिन मौजूदा हालात में सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो खोखले साबित होते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि चलती ट्रेन में इस महिला के साथ जो कुछ हुआ वो हैवानियत की हद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तफ्तीश में अब बात चलती बस में हुई दरिंदगी के। मध्य प्रदेश के सागर में एक छात्रा ने सनसनीखेज आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि उसे प्रसाद में मिलाकर कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया, फिर चलती बस में उसके साथ रेप किया गया। छात्रा के आरोपों के बाद पुलिस जांच में जुटी। प्रसाद खिलाकर घिनौना धोखा, सागर में छात्रा से दरिंदगी, चलती बस में छात्रा से रेप। चलती बस में छात्रा के साथ दरिंदगी की यह सनसनीखेज वारदात मध्य प्रदेश के सागर से सामने आई है। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़ित लड़की को दयाल राठौर नाम के शख्स ने प्रसाद के बहाने कोई नशीली चीज खिलाई, जिसके बाद वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। इसके बाद दयाल राठौर उसे बस के जरिए सागर से इंदौर ले गया। इस दौरान लड़की के साथ चलती बस में रेप किया गया। इसके बाद उसी बस से पीड़ित को दोबारा सागर लाया गया और फिर दोबारा बस में छात्रा को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। कोई लड़के का नाम आया है दयाल राठौर, वो उसको मोबाइल से फोन लगा के गंदी गंदी बातें करता था, उसका पीछा करता था, छेड़छाड़ करता था। और फिर एक दिन उसका कहना है कि उसने मंदिर का प्रसाद बता के खिला दिया, उसको कुछ भोजनीदा इंदौर ले गया और जाते और वापस आते समय जो स्लीपर बस होती उसकी सीट पे गंदा काम। चलती बस में छात्रा के साथ रेप की ये वारदात बीते 2 सितंबर को अंजाम दी गई थी, लेकिन थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़ित को आरोपी ने मुंह बंद रखने की धमकी दी थी, जिस वजह से वो अब तक चुप थी। हालांकि अब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर आरोपी दयाल राठौर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हमारे जो थाने में महिला अपनी इच्छा से उन्हें अपराध पत्र दिया है, पूछताछ करके तब उसकी डॉक्टरी भी कराई। आरोपी का अभी नाम भर आया है दयाल राठौर, अभी उसकी जाति और पता वगैरह कोई क्लियर नहीं हुआ है, उसका भी पता लगा रहे हैं। वो बस कौन सी थी जिसमें छात्रा के साथ दरिंदगी की गई? क्या बस ड्राइवर कंडक्टर को इस वारदात के बारे में पता था? फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने के साथ साथ आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिशों में जुटी है। अतुल अग्रवाल, इंडिया 24/7, सागर। मुंबई में एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने उसी के एक्टिंग टीचर पर छेड़खाने का आरोप लगाया। अम्बोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद जॉन बेरी एक्टिंग स्कूल सवालों के घेरे में है। ये वही जॉन बेरी हैं जिन्हें शाहरुख खान अपना एक्टिंग गुरु मानते हैं, और इसी इंस्टीट्यूट से जैकलीन फर्नांडिस और हॉलीवुड एक्ट्रेस फ्रेडा पिंटो ने अपना एक्टिंग कोर्स किया है। लेकिन अब यहां से एक्टिंग की क्लास लेने वाली एक छात्रा ने स्कूल के एक टीचर पर छेड़खानी और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इसी स्कूल में एक्टिंग सिखाने वाले अतुल बागी नाम के शख्स पर आरोप है कि 11 सितंबर को उसने स्कूल में एक्टिंग सीख रही पीड़िता से छेड़खानी की और उसकी पिटाई भी की। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो बेरी जॉन एज नंबर 1 माना जाता है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े लाइक शाहरुख खान, फिर फ्रीडो पिंटो, जैकलिन और इन सब ने भी कंप्लीट किया है। तो हम लोगों ने वही सोच के किया कि हाँ कुछ अच्छा करियर बन जाएगा, कुछ एक्टिंग सिखाते हुए, लेकिन वहाँ एक्टिंग के नाम पे बिल्कुल ही जीरो है। पीड़िता का दावा है कि अतुल नाम के इस स्कूल टीचर ने पहले इन्हें एक ड्रामा की प्रैक्टिस के नाम पर अपने पैर का अंगूठा चूसने के लिए कहा, लेकिन जब पीड़िता ने अंगूठा चूसने से मना कर दिया तो अतुल ने पीड़िता को मारना शुरू कर दिया।
अतुल ने करीब 20 थप्पड़ पीड़िता को मारे। इसके बाद अतुल ने पीड़िता से सबके सामने उसकी टी शर्ट उतारने के लिए कहा। जब पीड़िता ने इसके लिए भी मना कर दिया तो अतुल ने जबरदस्ती पीड़िता की टी शर्ट उतारने की कोशिश की। तो वो जो फैकल्टी है वहाँ का सो कॉल्ड मोलिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे साफ साफ, उनका नाम अतुल है, वो आए मेरे पास और मुझे बोल रहे हैं कि झुको और मेरा अंगूठ पैर का जो अंगूठा है उसे चूसो। तो मैंने 3 बार डिनाई किया, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने यहाँ से उठाया और फिर मुझे थप्पड़ मारने चालू किए। उन्होंने ऑलमोस्ट 20 थप्पड़ मुझे मारे और उसके बाद धक्का मुक्की किए और उसके बाद मेरा साइड में कोने में डाल के मुझे बोल रहे हैं कि टी शर्ट उतारो। मैंने बोला कि मैं टी शर्ट नहीं उतारूंगी, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया तो भी उन्होंने ज़बरदस्ती आधा टी शर्ट मेरा ऊपर कर दिया। 14 सितंबर को इस मामले की शिकायत अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। IPC की धारा 354, 354 बी और 509 के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल एक्टिंग स्कूल से जुड़ा होने के चलते पुलिस जांच में बेहद एहतियात बरत रही है। पुलिस एक्टिंग स्कूल में लगे CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला रवैया रहा बैरी जॉन का। शाम को जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ बैरी जॉन से उसके एक्टिंग टीचर की शिकायत करने पहुंची तो उन्होंने कुछ भी रिएक्ट करने से मना कर दिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड से ये बात की कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो मुझे लेके गए वापस बैरी जॉन में। तो वहाँ पे गए तो बैरी जॉन पहले तो बोल रहे हैं वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा चिल्लाना विल्लाना कब हुआ तो बैरी जॉन खुद बाहर आते हैं और कोई भी उनका रिएक्शन नहीं है, वो कोई जवाब देने के लिए ही तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमने आपकी कहानी सुनी है, अब हम उनकी कहानी सुनेंगे। जब हमने इस मामले को लेकर जॉन बैरी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि एक्टिंग टीचर पर कार्रवाई करते हुए इसे तब तक छुट्टी पर भेज दिया गया है जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। लेकिन जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, वो जबरदस्ती एक छोटी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ा रही है। That's what is in the hands of the police right now. We've handed over to them the film which runs in every class. They are looking at that film. There's not much which is visible to the human eye. I think there's a great misunderstanding which now has become over-exaggerated. But officially I can't say anything because it's under investigation by the police. I cannot say, I am not investigating the case. अब पुलिस इस मामले की जांच करके ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये अपने आप में पहला वाकया है या इस तरह की घटनाएं इस इंस्टीट्यूट में पहले भी हो चुकी हैं। अंकुर त्यागी, इंडिया 24/7, मुंबई।